आखिर कुंभकर्ण 6 महीनों तक क्यों सोता था? दोस्तों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। एक बार रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाई मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। उन तीनों ने कई वर्षों तक तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए। फिर रावण ने अमृता का वरदान मांगा। फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि जो इस दुनिया में आया है उसकी मौत तय है, ये वरदान नियति के खिलाफ है, तुम कोई और वरदान मांगो। फिर रावण ने कहा कि प्रभु, मेरा वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई भी अंत ना कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर विभीषण ने भक्ति का वरदान मांगा, जिससे वो प्रभु राम के भक्त बने। और कुंभकर्ण इंद्रासन यानी कि स्वर्ग को मांगना चाहता था, जिस बात से परेशान होकर स्वर्ग के राजा इंद्रदेव सरस्वती माता के पास जाकर बोलते हैं कि अगर एक राक्षस को स्वर्ग का राजा बना दिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। फिर माता सरस्वती कुंभकर्ण के जीभ पर जाकर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और कहा कि तुम 6 महीने तक सोओगे और एक दिन उठकर खाना खाकर सूर्यास्त के बाद फिर से तुम 6 महीने के लिए सो जाओगे। दोस्तों, हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना।